हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीएम लखनऊ काइट्स। और वीएम लखनऊ काइट्स में आप सभी का स्वागत है। आपके ढेर सारे प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों, आप लोग ऐसा ही प्यार करते रहिए तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए कोई ना कोई नया वीडियो लाऊँ। और इसी कड़ी में आज मैं आप लोगों के लिए इंदिरा नगर में आशीष भाई की दुकान है, आशीष काइट सेंटर के नाम से, और उनका आज वीडियो लेके आया हूँ। उनके पास मंझों का न्यू स्टॉक आया है, इसलिए मैं आप लोगों को वो न्यू स्टॉक आज दिखाऊंगा। और कौन कौन सा मंझा आया है, किस किस कलर में आया है, वो सारे कलर दिखाऊंगा और उसके प्राइस भी बताऊंगा। तो डिटेल में आपको दिखाऊंगा, बने रहिएगा मेरे चैनल पे, देखिए वीडियो मेरा पूरा। और तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं आज आया हूँ आशीष भाई के पास, और आशीष भाई के पास आप देख रहे हैं मैं दिखा रहा हूँ मंझों का काफ़ी बड़ा स्टॉक है, लेकिन जो न्यू स्टॉक है आज मैं आपको वो दिखाऊंगा, उसके सारे कलर और प्राइस बताऊंगा जो भी है। तो पहले मैं आपको आशीष भाई से मिलवाता हूँ। हेलो आशीष भाई। नमस्कार जी। नमस्कार, थैंक यू सो मच आशीष भाई कि आप हमारे चैनल पे हैं। और स्टॉक दिखा देते ना तो लेने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये लें कि ये लें, तो पहले एक एक करके जिसको जो पसंद होगा वो ले लेगा। इस ब्लॉग में जो है जिलानी मियाँ जी, इनका स्टॉक आया था पिछले हफ्ते ही आया था जी, और अलजेन भाई का आया था, इन्होंने भेजे थे 10 ही बंडल भेजे थे केवल जी। तो इनका भी जो है आज जो है जो भी कलर अवेलेबल है वो दिखा देंगे, जो आने का टाइम नहीं मिला, लेट हो गया। बहुत से लोग देखिए वीडियो पे हमसे कमेंट करके कहते हैं कि आशीष भाई को बोलने दीजिए, तो आज आप ही बोलिएगा क्योंकि मुझसे लोग कहते हैं कि आशीष भाई को सुनना चाहते हैं। तो जी होता है कि दोनों लोग साथ में बोलने लगते हैं तो बात आप बोल रहे होते हैं आपकी कट जाती है, हम बोल रहे होते हैं हमारी कट जाती है। तो आज आप जो भी है दिखाइए आशीष। सबसे पहले एक चीज और कि कुछ वीडियो डाला था जो लास्ट टाइम, तो उसमें कुछ कोरियर किए थे मैंने, तो मुझे जो है टाइम नहीं मिल पाया आपसे जो है फर्दर जो है फीडबैक लेने के लिए, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपका फीडबैक नहीं ले पाया। मैं थोड़ा सा किसी प्रॉब्लम की वजह से ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ इस समय, तो प्लीज़ आप नाराज़ ना होइएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तक आपका सामान सही सलामत और अच्छी कंडीशन में पहुँच गया होगा। ओके आशीष भाई, बिल्कुल जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं आशीष भाई ने बताया है, तो आप लोगों को पहुँच गया होगा भाई का जो पहुँचाया था भाई ने। और जी आशीष भाई क्या दिखाएंगे सबसे पहले? अलजैन जजीरा के जो कलर आए वो दिखाएंगे, और ये शायद ब्लैक है। ये देखिए भाई, इस तरह की चरखी होती है अलजैन जलजीरा की। इनके दो ब्लॉग आते हैं, एक आता है अलजैन का मार्कोस और एक आता है अलजैन का जलजीरा। जो मार्कोस आता है वो ये जलजीरा मंगाई है। अगर फंसा के केवल लड़ानी है तो मार्कोस ज्यादा अच्छी लड़ती है, अगर केवल आप फंसा के लड़ाना चाहते हैं तो मार्कोस आप लीजिएगा। और ये जलजीरा है, ये पास के पेच में भी लड़ेगी आपकी और दूर के पेच में फंसा के, दोनों तरह से ही लड़ेगी डोर। और इसका रिस्पॉन्स भी अच्छा है, फील्ड का रिस्पॉन्स इसका अच्छा है। इसका नाम जो है खिलाड़ियों की वजह से ही हुआ है। 1-2-3 पे ये डोर बनाते हैं, ये 1-2-3 की इनकी स्लिप है, और ये इस तरह के इनके दो रैपर इस तरह के होते हैं, एक रैपर ये होता है एक ये होता है जी। ठीक है, ये ब्लैक कलर में है जी। ये डोर देख लीजिए, आप भी छू के देखिए, बताइए काटा कैसा है भाई। आप ही बताइए, आप भी उड़ाते हैं, शौक करते हैं, तो बताइए। आ जाइए इधर, आ जाइए भाई। डोर बहुत शानदार है आपकी। देखिए यहाँ पे भाई एक और खड़े हुए हैं जो शौक रखते हैं और देखने आए हैं, मैं तो आप ही बताइए कि डोर मतलब जो कस्टमर है मैं उनसे ही आपसे पूछवाता हूँ। कांटा बहुत अच्छा है और खासियत ये है इस डोर की कि ये बारीक डोर है और ये कांटेदार डोर है, तो ये नम मौसम में भी लड़ेगी, दिक्कत नहीं करेगी क्योंकि ठंडियों का मौसम आ रहा है, तो कांटा डोर में रहेगा तो अच्छा रहेगा। ये फंस के भी अच्छी लड़ेगी। हाँ, लंबे पेज में भी लंबे पेज बहुत अच्छी लड़ेगी जो है। इसमें जो कलर अवेलेबल है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, प्राइस बताना बहुत जरूरी है। 2100 रुपए का है भाई जी, ये 2100 रुपए का आपको पड़ेगा। बहुत शानदार, ये डोर जो है पतली है और कांटा इसमें अच्छा है, मोटी डोर नहीं है, बहुत ज्यादा माल लदा हुआ नहीं है इसमें। इसमें दो टुकड़े के भी पेच आप लड़ा सकते हो, अगर छत से लड़ाना चाहते हो, मैदान से भी लड़ाना चाहते हो, वहां से भी लड़ा सकते हो, दोनों तरह से लड़ेगी। क्योंकि अब पैसा आप दे रहे हो 2100 रुपए, तो ये हर तरह का काम ना करे तो फायदा क्या होगा ना। मैं आपका ये ब्लैक हो जाएगा, स्क्रीन पे भाई का नंबर डिस्प्ले करूंगा, एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग भाई को डायरेक्ट फोन करिएगा। और जो भी कलर है भाई अभी दिखा रहे हैं, प्राइस भाई भी बता रहे हैं कि आपको अलजैन का जो बंडल है जलजीरा वाला वो 2100 रुपए का भाई ने बताया है, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि आशीष भाई को सुनना चाहते हैं, तो देखिए मैं आशीष भाई को ही आज कहूंगा कि बताएं। ये क्रीम कलर की डोर जी, ये भी इसमें भी कांटा आपको अच्छा मिलेगा। इनकी जितनी भी डोर है
कांटा इन्होंने अच्छा है बनाया हुआ है, आप भी देखिए छू के। बिल्कुल बहुत महीन कांटा है और टेम्पर भी अच्छा है, नहीं डोर तो अच्छी बनाई है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा दिल मेरा यूं दिखाया जी, ये चरखी थोड़ी अच्छी लगा देते, 2100 रुपए दे रहा है हमको उड़ाने वालों से, 2100 रुपए जो है जब इसको सेल करना है, अगर चरखी थोड़ी और अच्छी लगा दे तो थोड़ा हमें भी अच्छा लगता बेचते हुए। बिल्कुल, लेकिन अब जिसकी डोर है प्राइस वही तय करता है, लेकिन क्या कर सकते हैं जी। बिल्कुल, लेकिन मेरा तो ऐसा मानना है कि जैसे डोर की क्वालिटी अगर अच्छी है तो मुझे लगता है कि खरीदने वाला यही सबसे मेन चाहता है कि डोर उसकी बढ़िया लड़े और अच्छी बनी हुई हो। डोर में कोई, ये भी ब्लैक है जी, डोर में कोई खराबी नहीं है जी, डोर एक नंबर की है। भाई आपको आज सारे कलर दिखाएंगे जो जो भाई के पास मौजूद हैं, और आप लोग देखिए ये अलजैन के हैं सारे ब्लॉक जो अभी भाई दिखा रहे हैं। ये ब्लॉक खोलने का जो है मेन रीज़न ये है कि फ़ोन पे जैसे जिनको ऑर्डर करना होता है तो वो कहते हैं कि मतलब जो जो अवेलेबल कलर है वो दिखाइए, तो अब पर्टिकुलरली एक एक इंसान को अगर कलर दिखा के देखिए, बहुत शानदार और लाइट कलर बनाया हुआ है। मेन चीज़ ये है कि अलजैन भाई जलजीरा में जो डोर में कलर डालते हैं वो ज्यादातर लाइट कलर ही होते हैं जी। मैंने उनसे कहा था डार्क कलर के लिए, तो उन्होंने कहा था आप बेफिक्र रहें, मैं जो है लाइट कलर में भी आपको वो चीज जो है वो टेम्पर प्रोवाइड कर दूंगा भाई। लाइट कलर मेरे हिसाब से तो लाइट कलर मुझे बहुत पसंद है और मैं कोशिश करता हूँ कि लाइट कलर मिले, लेकिन जल्दी सब लोग लाइट कलर बनाते नहीं है। लाइट कलर मेरा भी आप होती है जी। ये पिंक कलर देखिए कितना शानदार कलर है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत महीन और बेहतरीन डोर है। लास्ट में एक स्लाइड दिखा दीजिएगा सारी चरखियों की लाइन से, तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले आप लोग, स्क्रीनशॉट लेके भाई को फोन कर सकते हैं। मैं सिर्फ अभी आपको ये देखिए भाई कलर दिखा रहे हैं कि जो कलर आपको पसंद आया आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भाई को भेजिएगा, और भाई कोरियर के थ्रू आप जहाँ भी होंगे ऑल ओवर इंडिया या इंडिया के बाहर भी भाई भिजवा देते हैं, आप लोग फ़ोन करके भाई से बात कर लीजिएगा। देखिए इस कलर, आप ये अलजैन के कलर हैं और बहुत ही बेहतरीन, उनके कलर ही थोड़े यूनिक हैं और ज़्यादातर लाइट ही मिलेगा आपको जल्दी। ये कलर आपको जो लाइट कलर होते हैं जल्दी नहीं मिलते हैं। ये चरखा तो मैं भाई से खुद ही कहूंगा, देखिए ये भी एक, ये उससे भी लाइट कलर है। बहुत महीन डोर है, बहुत बहुत भारी डोर है, डोर के पेजों के लिए बहुत अच्छी। अरे वाह क्या कलर है, देखिए कितना शानदार कलर लगाया है। ये सारे अलजैन है, जलजीरा है, और प्राइस भाई ने बताया है 2100 रुपये है। कोरियर का चार्ज अलग से आपको पेड करना पड़ेगा। जो लखनऊ में भाई देख रहे हो वो भाई के पास आ सकते हैं, इंदिरा नगर में भाई की शॉप है। कोरियर का चार्ज विद इन यूपी 50 रुपीज़ kg है, DTDC का कोरियर यूज करते हैं और विद इन यूपी 50 रुपीज़ per kg पड़ता है। अगर मतलब 5 kg के अबव है, अगर दो चरखी आप लेते हैं तो पैकिंग के बाद जो है लगभग 4 किलो के ऊपर ही जाती है हमारी पैकिंग जो होती है उसमें। आप कलर देखिए पहले भाई दिखा रहे हैं, कितना शानदार कलर है। ये जो भी भाई दिखाए हैं बंडल 5, 6, 7, 8, 9, 10 कलर देखिए भाई ने दिखाए हैं अलजैन जलजीरा के, सब अलग अलग कलर हैं और लाइन से रख देता हूँ जी, तो आप दिखा दीजिएगा। ये आप लोग करीब से डोर देखिए और आपको इसमें बेहतरीन वर्क नजर आएगा, और कलर मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आप लोग देख सकते हैं। शानदार और डोर की क्वालिटी आपको ऐसे ही पता चल जाएगी कि जो कांच आपको दिखेगा इसमें बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ है, बहुत महीन कांटा लगाया है। ये देखिए आप इसमें कितना बेहतरीन वर्क है। तो ये सारे कलर अलजैन जलजीरा के लगे हुए हैं। मैंने इसमें नंबरिंग भी डाल दी है, स्केच से अभी डाल दी है। तो ये जो है फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, 9 और ये 10 जी। तो आप लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे पूरा,
तो जी मैंने बिल्कुल ये चरखी इधर से दिखा दीजिए, मैं जी चरखी के बारे में बता दूँ। जी ये चरखी, ये भी चरखी बैको लाइट पे ही है, इस पे जी कागज का स्टिकर लगा हुआ है, कोई ये फैंसी चरखी नहीं है, ठीक है, कोई कंफ्यूज ना हो। जी इस पे भी ये कागज लगा हुआ है, जी बैको लाइट की चरखी है, कागज लगा हुआ है, जी ठीक है। और नंबरिंग मैंने डाल दी है, जो भी कलर आपको पसंद हो वो आप नंबर वाइज अगर बता देंगे तो भी भाई आपको वही नंबर मिल जाएगा, 1, 2, 3 के हिसाब से सारे नंबर भाई ने बताए हैं, सब मैंने नंबर लिख दिए, नंबर लिखे हुए हैं। आप लोग नंबर वाइज जैसे आप ये देखिए 5 नंबर पे ये पिंक कलर है, तो ऐसे ही 6 नंबर पे ये ऑरेंज कलर है, तो आप लोग ऐसे नंबर बता सकते हैं। इसमें जो दो रील है वो थोड़ी स्पेशल है, इसमें डबल कलर है, देखिए इसमें जो है जी ब्लैक और ऑरेंज मिल जाएगा आपको, ये पूरी डोरी ऐसी होगी, और ये जो है और ये भी ग्रे के साथ पिंक का कॉम्बिनेशन डबल कलर में है, बाकी सिंगल कलर जी। ये जो है कलर जो है ये बहुत ज्यादा कलर नहीं मिलेगा, जितना दिख रहा है ऐसे हल्का हल्का से ही कलर मिलेगा जी, थोड़ा थोड़ा सा कलर आएगा कहीं कहीं पे, हाँ वो पता चल रहा है कि जो आप डोर यूज करेंगे। हटा देता हूँ और आपको जो है जिलानी मियाँ की डोर दिखा देता हूँ। जी जिलानी मियाँ की जो डोर है वो जो है जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते हैं, जड़ी बूटी खैर मटेरियल तो सभी लोग डालते होंगे पर ये जो है केमिकल वगैरह बहुत कम यूज करते हैं, ऐसा इनका कहना है और ऐसा ये मेंशन भी करते हैं अपनी चरखी। बहुत शानदार डोर होती है जिलानी मियाँ की, क्योंकि मैं यूज करता हूँ जिलानी मियाँ को, और मैं अगर लंबे पेच होते हैं तो मैं बहुत पसंद करता हूँ जिलानी मियाँ। ये सब पे नहीं चिपका हुआ है, ये इस पे चिपका हुआ है, लेकिन सब पे डोर का यही रहता है, इस पे देखिए लिखा रहता है कि ये जो है केमिकल वाला मंजा नहीं है, इस पे देखिए लिखा होगा मेरे ख्याल से देसी जड़ी बूटियों से तैयार। देखिए एक मिनट मैं इसको जी, ये आप देखिए शीशा मुक्त मंजा, इसमें जो है शीशे का प्रयोग नहीं करते हैं जी। जिलानी मियाँ की जो डोर है जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें धार नहीं होगी, उसकी जगह बहुत सारी अलग अलग मटेरियल आते हैं धार के लिए जी, पत्थर भी इस्तेमाल होता है जी, और वो सब महंगे मटेरियल में ही यूज होता है जी। ये 1900 रुपए की है जिलानी मियाँ, हाँ जिलानी मियाँ ये इनका रेट है जिलानी मियाँ का, ये 1900 रुपए की डोर है, 1900 रुपए में 12 रील का बंडल है ये जी, 1900 रुपए में 12 रील का बंडल है, बैको लाइट की चरखी होगी, और ये देखिए इस पे आप थोड़ा पास करके थोड़ा सा ऐसे जी 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 मेंशन करिए, आपको देखिए थोड़ा बिल्कुल, सा बिल्कुल दिख रहा है सर, कांटा थोड़ा महसूस हो रहा होगा, मतलब चमक आपको महसूस हो रही है ना, ये शीशा नहीं है, इन्होंने मेंशन भी कर रखा है, वो स्टिकर अगर आपको सब पे ना मिले तो भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है जो है जी। ये जो है जो ये मटेरियल होता है, ये जो चमक रहा है इसमें ये इसकी धार को ही बता रहा है, ये जो है इस पे मटेरियल होते हैं जो इसके अंदर पड़ते हैं, सोना मक्खी है और बहुत सारी चीजें हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा जी, जी। तो वो सब चीजें हैं जो डाली जाती है मंजे में, ये थोड़ा सा अलजैन से मोटा होगा मंजा, जी बहुत जी। मोटा मंजा नहीं, आप लेकिन बताइए सर के ये कैसा है डोर, और इन भाई के बारे में बता दूं कि ये जो है पतंग लड़ाते हैं, शौक करते हैं, और ये इत्तेफाक की बात है कि ये आज मौजूद है यहाँ पे जी, तो इसलिए मैंने इनको भी जो है बिल्कुल बिल्कुल सर, कस्टमर का रिव्यू सबसे मेन होता है, और बहुत अच्छी क्योंकि हम तो वीडियो बना रहे हैं आप बेच रहे हैं, लेकिन जो कस्टमर जो आज की डोर है होते हैं, और इसका रिस्पांस भी अच्छा है, मतलब कई लोग लिए हैं जो फील्ड पे ले रहे हैं जी, चरखा जब इनका पहली बार मंगाया था, ये तो अभी दूसरी बार आया है जिलानी मियाँ का। ये जिलानी मियाँ की डोर आपको कैसी लगी सर बताइए? बहुत अच्छी डोर है, इसमें चिकनाहट भी है, कांटा भी है जी, आप इसको जितना लॉन्ग रेंज में लड़ाएंगे उतनी अच्छी लड़ेगी डोर जी। ओके सर, जिलानी मंजा आता है वो फाइबर पे होता है, वो 2100 रुपए समथिंग होता है, वो इस समय नहीं मंगाया मैंने क्योंकि इस समय महंगे आर्टिकल मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं, ओके तो इसलिए मैंने नहीं मंगाया है, ज्यादा महंगी डोर है वो, इससे ऊपर का ब्लॉक होता हाँ, है इससे ऊपर का है, लेकिन ये भी डोर बहुत अच्छी करती है, इसमें कोई वो कमी नहीं है। देखिए बहुत बेहतरीन कलर है, जो ये शायद हमको लगता है ग्रेइश कलर है, ग्रेइश कलर है, वो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर में था, हाँ, ये वाला ये थोड़ा सा ब्राउनिश के दोनों के कलर थोड़े से, मैं अभी इस पे नंबरिंग भी कर दूंगा जिससे कि जो है काही कलर भी थोड़ा आप कह सकते हैं इसको, कंफ्यूजन नहीं है जी, बहुत बढ़िया कलर है, सीजन के हिसाब से ये इस समय के सीजन के लिए कलर बहुत अच्छा है, ये देखिए कितना प्यारा कलर है, लाइट ग्रे शेड है ये थोड़ा सा जी, ये स्टिकर होता है उर्दू में ये लिखते हैं जी, उर्दू में लिखा होता है, इनकी पहचान है ये उर्दू में लिखा रहता है, ये जो स्टिकर होता है ये 1, 2, 3 का स्टिकर होता है, उसको ये पलट कर साइन करते हैं उस पे अपना, और 12 रील 11 रील जो भी होती है वो लिखते हैं जी, ये इनकी ओरिजिनल चरखी है, आप कहीं से भी लो, यहाँ से ना लो, अपने सिटी से भी लो, तो इस चीज का ध्यान रखना कि जी बिल्कुल, वो जो 1, 2, 3 का कागज होता है कि अभी तक तो फिलहाल मेरी नजर में यही है जो स्टिकर को पलट कर साइन करते हैं उस पे जी जी। बहुत बढ़िया आशीष भाई, आपने जो बारीक बात बताई है, जो लोग जिलानी मियाँ की डोर लेना चाहते हैं
तो ये देखिए 1 2 3 का स्टिकर था, भाई ने जैसा बताया है इसको पलट के उस पर साइन अपने करते हैं, पीछे पलटेंगे तो इस पर 1 2 3 का आपको टैग मिलेगा लिखा हुआ। ये बहुत प्यारा कलर है, हमको लग रहा है शायद ये डार्क वाइन कलर है। जी बिल्कुल, देखिए डार्क वाइन कलर, डार्क वाइन कलर में है। और इसमें जो है आप देखेंगे इसमें बहुत जैसे स्पार्कल जो है, ये देखिए आप, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप स्पार्कल देखिए कितना बढ़िया है, ये जो है ये इसकी शार्पनेस को बताएगा। और बहुत शार्प डोर होती है, बहुत बारीक डोर होती है, मैं यूज करता हूँ जिलानी मियाँ की। अगर आप लंबे पेच लड़ाते हैं तो है, बहुत पुराने जो है जी उस्ताद हैं ये, बिल्कुल बहुत पुराने, ऐसे नए नहीं, नए कारीगर नहीं है। हाँ, जिलानी मियाँ जी डोर जो है लखनऊ में अब तो बहुत सालों से आ रही, कम से कम कुछ नहीं तो 20-25 साल से तो आ ही रही है। जी बिल्कुल, और ज्यादा समय से आ रही है इनकी डोर। ये भी डार्क ब्राउनिश शेड है या जी, ये भी डार्क उसी का ही डार्क, और थोड़ा सा डार्क कर दिया इन्होंने। और ये देखिए आप एक मिनट, ये जो शाइन कर रहा है आप देखिए कितना बढ़िया, इसमें जिसको कहते हैं जो इसमें धार बनाते हैं ये, इससे पता चलती है डोर की। आप देखिए कितना प्यारा कलर है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप पर्टिकुलर पसंद, बहुत बेहतरीन कलर है। और ये सारी डोर में एक जैसा काम है, देखिए आप इसमें कितना बेहतरीन काम है। मैं लाइन से रख देता हूँ, नंबरिंग कर देता हूँ तो जी, आप नंबरिंग कर दिए ताकि जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको जो कलर अगर आपको कोई पसंद आ रहा हो तो आपको लेने में आसान हो जाएगा। आप भाई को अगर ऐसे बताने से अच्छा है कि आप नंबर बता देंगे भाई को कि हमें 5 नंबर का या 2 नंबर का मांझा चाहिए, तो वो आपको इजी आपको वही कलर मिलेगा। 6 कलर है भाई के पास इसमें, और जी आप इधर से नंबरिंग कर दिए। 1 2 3 4 5 6 तो मैं एक नंबर से आपको दिखा रहा हूँ। ये थोड़ा सा डार्क कॉफी कलर है शायद, जी बिल्कुल डार्क कॉफी कलर है, ब्राउनिश मतलब डार्क कॉफी ही। जी जी आप देख लीजिए कलर थोड़ा लाइटिंग इफेक्ट की वजह से कलर थोड़ा सा चेंज हो सकता है जी, पर कलर सारे अच्छे। ये डार्क वाइन कलर है। अब मैं आपको कलर इसका ओरिजिनल कलर दिखाता हूँ, देखिए ये कलर, और ये थोड़ा सा उससे डार्क है, और ये पर्पल कलर का, पर्पल कह लीजिए, डार्क वाइन कह लीजिए, डार्क वाइन कह लीजिए, गोल्ड पहनते हैं ना डार्क, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कलर कौन सा है बताइए? ये ग्रे कलर है, ग्रे कलर है। हाँ, ये डार्क ब्राउन या कॉफी कलर कह सकते जी, हैं जी, कॉफी कलर है ये बिल्कुल। आपको इसमें थोड़ा काही कलर का, काही कलर का अगर आपको कलर चाहिए तो ये काही कलर जो है 6 नंबर पे है, 6 5 फिर ये 5 नंबर पे कलर है, ये 4 नंबर पे ग्रे कलर है, 3 पे ये पर्पल कलर है, और आप 2 नंबर पे जो है ये डार्क कलर है देखिए, और 1 नंबर पे जो है ये कलर है। तो आपको जो भी कलर पसंद आए आप लोग भाई को स्क्रीनशॉट लेके नंबर बता के जैसे भी हो आप लोग भाई को ऑर्डर कर सकते हैं। और मैं देखिए भाई का मेहनत दिखा रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को लगता है कि आप ये देखिए अभी ये सारा जो आप देखिए जो सुलझ जाएगा वो तो मैं लगा दूंगा इसमें, वरना मैं इसमें दूसरा फिर से दूसरा थ्रेड लगेगा, और ये सारी मेहनत इसमें वापस अभी 1 घंटा 2 घंटा की जाएगी इस पे। तो आप लोगों को अगर वीडियो प्लीज़ पसंद आए तो आप लोग भाई को फ़ोन करिएगा, ऑर्डर करिएगा, और जो भी मंजा आपको भाई के यहाँ से मिलेगा आशीष भाई के पास से, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे भाई के पास डुप्लीकेसी का काम नहीं है, जो भी मिलेगा ओरिजिनल मिलेगा, और आप लोग बिना संकोच के भाई से ले सकते हैं, जो भी डोर मिलेगी बहुत बेहतरीन होगी। तो भाई आशीष भाई देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।